हे फैमिली व्हाट्सएप वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहा है सुबह का 9:22 हो रहा है एंड जैसे कि मुंबई में अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया है। नॉर्मली टेम्परेचर रहता है हमेशा, बट जो अप्रैल में जून होता है उसमें थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं अभी मुंबई में रह के -डिग्री टेम्परेचर का एक्सपीरियंस लेने के लिए आया हूँ। राइट नाउ अभी मुंबई में टेम्परेचर है 28 डिग्री। 11 बजे के समथिंग एंट्री है मेरी, तो आप लोग व्लॉग एंड तक बने रहना, बहुत अच्छा व्लॉग है, आप लोगों को बहुत मज़ा भी आएगा। और फिनिक्स मॉल आने के लिए आपको सबसे पहले कुर्ला रेलवे स्टेशन पे आना होगा, वहाँ पे आपको ऑटो मिल जाएगा जो कि 20 रुपीज चार्ज करेगा। मैं आया हूँ यहाँ पे स्नो वर्ल्ड आज। जैसे कि मुंबई में मैंने आपको बाहर बताया था कि 28 डिग्री टेम्परेचर था उस टाइम पे, एंड अभी करंट में 32 है एंड मैं जा रहा हूँ अंदर -10 डिग्री। और ये है टिकट काउंटर जहाँ से मैंने टिकट परचेज किया और मुझे 700 रुपीज़ का टिकट पड़ा। पर पर्सन 700 रुपीज़ कॉस्ट है। और टिकट लेने के बाद में मैं आ गया एंट्री लेने के लिए। ये है स्नो वर्ल्ड का एंट्रेंस एरिया। फिर मैंने अपनी एंट्री करवाई जिसमें कि टिकट के 2 पार्टीशन हुए, एक उन्होंने रखा एक मुझे दिया। और अंदर एंट्री करते ही सामने बड़ा सा हॉल दिखा जहाँ पे बहुत सारी चेयर रखी हुई थी, मे बी ये वेटिंग एरिया है। और ये है सॉक्स काउंटर, अगर आप सॉक्स लेकर नहीं आए तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और इस काउंटर से आपको जैकेट ग्लव्स एंड शूज प्रोवाइड होंगे जो कि विदाउट कॉस्ट है। फिर मैंने जल्दी से अपने शूज चेंज किया एंड अपना बैग सबमिट किया और ये सारी फैसिलिटी विदाउट एनी कॉस्ट है। आपको ओनली सॉक्स परचेस करने के लिए 50 रुपीज देने होंगे। फिर मैंने अपना टोकन लिया और फाइनली एंट्री का टाइम हो गया है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है -डिग्री टेम्परेचर का। और अंदर एंट्री करते ही ये व्यू देखा तो मुझे लगा कि मेरे पैसे वसूल हो गए। तो अभी मैंने स्नो वर्ल्ड के अंदर एंटर कर लिया है एंड लिटरली अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब जैसे ही गेट के अंदर आया ना, ये देख सकते हो कितनी तेज़ धुआं निकल रहा है। 10 ओके। सो अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -10 है, बाहर 28 से सीधा अंदर -10 में, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे कान बिल्कुल ठंडे हो गए, बिल्कुल ठंडे लिटरली। मतलब मुंबई में मे भी शायद 8 या 10 टेम्परेचर ही मुश्किल से जाता होगा। आप यहाँ पे ये देख सकते हो ये ग्लू, यहाँ पे मैं भी फोटो क्लिक करवाया, बहुत अच्छी फोटो आई, यहाँ पे भी क्लिक करवाया। सारी फोटो मैं भी इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा तो आप लोग जरूर उसको चेकआउट करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको यहीं पे मिल भी जाएगा। एंड लिटरली यार यहाँ पे मेरा मतलब हाथ देखो बिल्कुल लाल हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब मैं ऐसे टेम्परेचर में फर्स्ट टाइम आया हूँ एंड ये देखो स्नो। और स्नो वर्ल्ड के अंदर ये लकड़ी का घर भी बना हुआ है जिसकी डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छी, जैसे रियल बर्फ वाली जगह में घर बने रहते हैं सेम वैसे ही बने हुए। अगर किसी को बाहर ज्यादा ठंड लग रही हो तो वो थोड़ी देर के लिए अंदर भी आके बैठ सकता है। और बाहर बहुत ज्यादा ठंड है इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ गया क्योंकि मेरे नाक कान हाथ सब कुछ जाम हो गए। गाने चल रहे हैं इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा बिकॉज कॉपीराइट लग जाएगा। लिटरली बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, आप नहीं देखो। तो अभी मैं स्केटिंग करने के लिए आया हूँ और ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जो कि पहले पढ़ना जरूरी है। और मैंने स्केटिंग करने के लिए शूज पहन लिए हैं, बट मुझे स्केटिंग करनी आती नहीं है लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ और अगर गिरा तो पता नहीं क्या क्या टूटेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुमसे ना हो पाएगा लेकिन मैं फिर भी सेकंड बार ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। और ये मैं फिर गिरते गिरते बचा।
यहाँ पे सॉन्ग चल रहा है इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा बिकॉज कॉपीराइट का इशू आएगा। मैंने अपने लिए हॉट चॉकलेट मंगाई है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड। और ये कैफे भी स्नो वर्ल्ड के अंदर ही है, यहाँ पे आपको टी, हॉट चॉकलेट, कॉफी और सूप भी मिल जाएगा और यहाँ पर बैठने के लिए जगह भी बनी हुई है। तो भाई मेरे लिए हॉट चॉकलेट लेके आ गए एंड भाई ने मेरी बहुत हेल्प किया, थैंक यू सो मच ब्रो। तो अभी मैं ये हॉट चॉकलेट पीता हूँ। तो अभी मेरा टाइम भी ओवर हो गया है, 45 मिनट्स का टाइम रहता है और कब 45 मिनट्स कंप्लीट होगा मुझे पता भी नहीं चला लिटरली। तो अभी बस मेरा एग्जिट करने का टाइम हो रहा है, मैं ये हॉट चॉकलेट पीता हूँ एंड जल्दी से एग्जिट करता हूँ। और फिर मैंने एग्जिट किया और इस काउंटर पे जैकेट, शूज एंड ग्लव्स सबमिट करने होते हैं और जल्दी से अपने शूज कलेक्ट किए फिर चेंज किए। ये वाले शूज भी उसी काउंटर पर सबमिट किए और ये फोटो सेक्शन है, जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो एक बंदा वहाँ पे आपकी फोटोज वगैरह क्लिक करेगा, आपकी मर्जी अगर आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अंदर बहुत ज्यादा ठंड थी तो मेरी मुझे कफ कफ होने लग गया है लेकिन बहुत इंजॉय किया। मतलब 45 मिनट्स कब हो गया मुझे लिटरली नहीं पता चला। फिर उसके बाद बाहर से अनाउंसमेंट आई कि ऐसा ऐसा, तब फिर उस टाइम कॉफी पी रहा था, फिर मैं कॉफी पी के बाहर निकला एंड सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बोल सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इधर का लोकेशन क्या है एंड आपका प्राइस एंड जो टिकट का प्राइस है एंड सारी काफ़ी। एक सेकेंड, कैमरा साफ कर लूँ, मैं भी गंदा है। लिटरली लव मैकडोनल्ड, मैंने बहुत टाइम के बाद में खाया है, लास्ट टाइम मैंने दिल्ली में खाया था। हाँ एंड उसके बाद में मुझे दिल्ली छोड़े एक साल हो गया। 5 मिनट्स लेटर मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। लिटरली मैं इस टाइम पे इतना तो भूखा हूँ एक्चुअली, अगर मैं पूरी रात जागा। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक सेकंड पहले मैं ये हलो फिर बताता हूँ। हाँ ये कर लो पहले। भाई मैं सुबह 4 बजे सोया एंड मैं 6:30 बजे उठ गया, फिर जल्दी जल्दी रेडी होकर मैं 9 बजे यहाँ पे आ गया था। बट मुझे ये पता था कि मे भी शायद फिनिक्स कह रहा हूँ, फिनिक्स ये मॉल जो है 9 बजे ओपन हो जाता है, बट यहाँ पे आने का मुझे पता है कि 11 बजे ओपन होता है। बम्मा भाई पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो मैं 2 घंटे ऐसे बाहर बैठा रहा, वेट किया, फिर उसके बाद मैं अंदर आया तो 11:15 पे वो स्नोबर्ड का मेरा टाइमिंग हो गया था तो मैं वहाँ पे गया। तो अभी मैं बस जल्दी से मील खत्म करता हूँ एंड देन उसके मैं थोड़ी देर यहाँ पे घूमूंगा, फिर से मैं घर निकल जाऊँगा। इंटरेस्टिंग कंटेंट अगर और भी देखने हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लिसन। रुको जरा, सबर करो, जो इसके बाद वाला वीडियो है ना वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा, वो 24 आवर्स चैलेंज वीडियो रहेगा एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। आई ट्राई हमारी 100% की मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड सबके साथ में शेयर कर देना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय। 20 मिनट्स लेटर और मॉल में घूमते घूमते मैं स्टोर पे आ गया, मुझे यहाँ पे एक कप बहुत ज्यादा पसंद आया तो मैंने ये ले लिया और साथ में ये स्टील स्ट्रॉ भी ले ली। और मैं मॉल से बाहर एग्जिट कर ही रहा था कि मुझे जूडियो दिख गया, फिर मेरा मन नहीं माना तो मैं अंदर गया और मुझे ये पैंट बहुत ज्यादा पसंद आया तो मैंने ले लिया। और भाई ये बिलिंग काउंटर पे लाइन देख रहे हो कितनी ज्यादा भीड़ है। और मैंने यहाँ से अपने लिए पैंट एंड मम्मा के लिए कुर्ती ली, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी और कैरी बैग के पैसे बचा के मैंने इन सारे कपड़ों को अपने बैग में रख लिया। बहुत गर्मी है यार, निकलते निकलते मुझे 4 बज गया और अभी मैं आया हूँ डी कैथलॉन क्योंकि मुझे टावल लेना है, मैं घर से आते टाइम पे लाना भूल गया था और सोच रहा हूँ ये बैग भी ले लूँ, ऑफर में बहुत सस्ता मिल रहा है। 2000 years later यार मुझे स्टेशन के लिए एक ऑटो नहीं मिल रहा, वहाँ से आते आते ऑटो का वेट करते करते सामने वो डी कैथलॉन दिखा तो मैं वहाँ घुस गया। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा। मुझे टावल लेना था, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड की वजह से हुआ, अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होता मेरे पास में तो मैं शॉपिंग नहीं करता। क्रेडिट कार्ड होने का मतलब है कि इंसान बंदा अमीर से धीरे 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 गरीब होता जाता है। बात तो सही है।